इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का चौथा टी20 मैच जो कि फ्लोरिडा के मैदान में खेला जाएगा। लास्ट जो दो ट्वेंटी मैच जो है वो फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। और आपको पता दोस्तों, भारत जो है अभी भी एक मैच पीछे है, यानी एक मैच अगर भारत जीत लेता तो सीरीज की बराबरी हो जाएगी। बट दोस्तों, अगर भारत सीरीज जीतना चाहता है तो भारत को हर एक मैच जीतना पड़ेगा, चाहे दो मैच जो बाकी वो सारे जीतने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है भारत के सामने, क्योंकि दोस्तों भारत जो है ऑलरेडी दो मैच हार चुका है, इसके अलावा दोस्तों लास्ट मैच तो जीता है। बट दोस्तों जिस प्रकार लास्ट मैच भी थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही थी, अगर सूर्य कुमार यादव उस प्रकार की पारी नहीं खेलते तो शायद लास्ट मैच भी मुश्किल पड़ जाता भारत को जीतने के लिए। तो आपको बता दोस्तों, अब तक फ्लोरिडा में जो है भारत जो है 6 T20 मैच खेल चुका है, और इस दौरान दोस्तों 4 में जीत हासिल हुई और 1 में हार का सामना करना पड़ा, वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, फ्लोरिडा में जो है भारत का पल्ला थोड़ा सा भारी है वेस्ट इंडीज के मुकाबले। तो आपको बता दोस्तों, भारत वेस्ट इंडीज के 5 T20 मैचों की सीरीज थी, जिसमें 14 मुकाबला फ्लोरिडा में यानी आज खेला जाएगा। और आपको बता दोस्तों, वेस्ट इंडीज सीरीज के अंतिम 2 T20 मैच फ्लोरिडा में ही खेले जाएंगे, और इससे पहले तीनों T20 मैचों में वेस्ट इंडीज ने अपने जमीन पर 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। और अब चौथे मैच में टीम इंडिया सीरीज को बराबर करने के लिए उतरेगी, और उसने तीसरे मैच को जीतकर वापसी के संकेत भी दिए हैं। बट दोस्तों, अगर भारत जो है 14 T20 मैच गंवा देता है तो भारत यह सीरीज भी गंवा देगा। तो भारत के लिए जो है करो या मारो का मुकाबला है, चाहे भारत जीतेगा तो ये सीरीज में बना रहेगा, अगर हारा तो ये सीरीज गंवा देगा। तो ये भारत के सामने परेशानियां। अब फ्लोरिडा में अब तक 6 T20 मैच खेले, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब भारत जो है लगातार 5वां T20 मैच जीतने का एक नया रिकॉर्ड हासिल करने के लिए फ्लोरिडा में उतरेगा। तो पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद होगा भारत के लिए। तो मैच शुरू होने से पहले यहाँ की पिच बल्लेबाजों की मदद करती है, तो फ्लोरिडा की जो पिच है वो बल्लेबाजों की मदद करती है। तो लेकिन जैसा मैच आगे बढ़ता है ये अक्सर धीमी पड़ जाती है, तो जिसकी पुष्टि इससे होती है कि इससे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 13 मैचों में 11 मैचों में जीत हासिल की है। यानी जो भी टीम यहाँ पहले बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने का ज्यादा चांसेस होगा मेरे दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि जो भी टीम यहाँ टॉस जीती है बल्लेबाजी करने, क्योंकि शुरू में जो है बल्लेबाजी करना यहाँ काफी ज्यादा आसान होता है। 16 के बाद ऐसा देखा गया कि भारत ने पहली सीरीज जीतने का मौका चुकना नहीं चाहेंगे और बेहतर एग्जिट प्रदर्शन करने के लिए प्रसरित होंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है वेस्ट इंडीज को जरूर रोकना चाहेगा। अब जान लेते हैं कि भारत की क्या आखिर प्लेइंग 11 रहने वाली है, यानी जो चौथा T20 मैच हो रहा है उसमें क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्या भारत जो है अपने बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करेगा, इसके अलावा प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस करे बहुत ज्यादा चीज जान लेते हैं। आपको पता दोस्तों, ईशान किशन को लास्ट मैच में बैठाया गया था और उसी का फायदा जो है दिखा। यशस्वी जायसवाल चले नहीं, बट दोस्तों फिर भी कुछ तो फायदा दिखा। और सूर्य कुमार यादव को थोड़ा पहले लाया गया, तो जिस कारण से वो भी फायदा दिखा। सो भारत की प्लेइंग 11 11 से तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज क्लब T20 सीरीज के शुरुआती दो मौका, सो भारत जो है सीरीज बराबरी करने के लिए उतरेगा। तो आपको बता दोस्तों, क्या आखिर प्लेइंग 11 रह सकती है। सो अपने करियर के पहले अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में जायसवाल फिर रहे और दूसरी ही गेंद पर खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। ऐसे में जायसवाल की जगह ईशान किशन को फिर से टीम में शामिल किया जा सकता है। ये बहुत कम चांसेस है कि उसे शामिल किया जाएगा T20 में। भले इस किशन भारत के लिए अब तक अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इसी दौरान उन्होंने टेस्ट और बढ़ने में शानदार बल्लेबाजी भी की। इसके अलावा उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से भी काफी प्रभावित किया, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में यह जिम्मेदारी संभालने वाले संजू सरदार को स्पिन गेंदबाजी के लिए परेशानी हुई थी। जायसवाल या किशन, किसे मिलेगा मौका, यह सबसे बड़ा सवाल है कि चौथा T20 मैच में किसे मिलेगा मौका। तो जायसवाल के पास अनुभव कम है, लेकिन IPL में उन्होंने दिखाया कि वह T20 में कितने खतरनाक बल्लेबाज है। जिस प्रकार के उन्होंने जो है हाफ सेंचुरी चढ़ा था मात्र 15 गेंदों में, तो उससे आप पता लगा सकते हैं वो किस प्रकार के खतरनाक बल्लेबाज हैं। टेस्ट में उन्होंने अपनी पहली पारी में शानदार शतक लगाया। फ्लोरिडा की पिच में बड़े शॉट लगाना आसान होता है, ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या उन्हें एक और मौका दे सकते हैं। तो ज्यादा चांस दोस्तों कि जायसवाल को ही फिर से मौका दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाद टीम के सुमन गिल लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे, लेकिन उनकी पारी की शुरुआत लगभग तय है और गिल के साथ एक बार फिर जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं, ये ज्यादा चांस है। तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में कमाल की पारी खेली थी, इस मैच में भी उनसे बड़ी उम्मीद पारी होगी। चौथे नंबर पर तिलक वर्मा लगातार 3 शानदार पारियां खेल चुके हैं, उन्होंने इसी सीरीज में डेब्यू किया था, लेकिन वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। बट दोस्तों, जिस प्रकार से तिलक वर्मा के साथ हार्दिक पांड्या ने किया वो सबसे ज्यादा गलत बात है।
दोस्तों ऐसा तो हार्दिक पांड्या को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कप्तान वो नहीं है, वो हम लोग सभी जानते हैं। पर दोस्तों तिलक वर्मा जो अपने 50 के करीब थे, उन्हें जो है मात्र एक छक्का या कुछ भी सिंगल ले लेते तो शायद वो अपने करियर का एक और अर्धशतक लगा देते। पर दोस्तों हार्दिक पांड्या जैसा सेल्फलेस कैप्टन शायद ही मैंने नहीं देखा था। पता है कि मैच जीतना जरूरी है, पर दोस्तों आपके पास गेंद मौजूद थे और तिलक वर्मा एक नए युवा खिलाड़ी और वो उन पर आपको विश्वास जताना चाहिए था, पर दोस्तों वो विश्वास आपने जताया नहीं। अब बात कर ले दोस्तों गेंदबाजी डिपार्टमेंट में आखिर क्या हो सकता है। तो गेंदबाजी में बदलाव की संभावना कम है, क्योंकि दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पर खुद खेलते हैं और 6वें नंबर पर संजू सैमसन को मौका दिया जा रहा है। तो इन दोनों स्थानों पर भी बदलाव की संभावना काफी कम है। तो स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल के कंधों पर है। ठीक, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को स्पिन खेलने में परेशानी होती है, जिस कारण से दोस्तों तीनों गेंदबाजों ने स्पिन मिलने पर अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे में तीनों का खेलना तय। तेज गेंदबाजी में अक्षदीप और मुकेश कुमार के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में इस विभाग में भी बदलाव की गुंजाइश कम है। तो ये रहे हो सकती है बात की प्लेइंग 11। तो अब बात होती है दोस्तों कि आखिर ये मैच जीतेगा कौन, भारत जीतेगा या वेस्टइंडीज जीतेगा। तो सो आई एम गोइंग विद, मैं जो जाना चाहूंगा दोस्तों वो मैं जाना चाहूंगा इंडिया के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है फ्लोरिडा में दोस्तों इंडिया का रिकॉर्ड भी अच्छा है, इसके साथ साथ दोस्तों शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है भारत जो है मुकाबला वो बड़ी आसानी से सीरीज बराबरी कर लेगा। तो देखने वाली बात हो क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम क्रिकेट गेमिंग, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।